हेलो एवरीवन द क्वेश्चन हियर इज एक्सप्लेन मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम विथ एग्जाम्पल सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम यदि हम इस ग्राफ के अंदर देखें हमको नंबर ऑफ नोट्स दिखाई दे रहे हैं इन नंबर ऑफ नोट्स के अंदर एक नोड है सोर्स एक नोड है सिंक या फिर डेस्टिनेशन अब इन नोट्स के बीच में कुछ इंटरमीडिएट नोट्स भी है अब मान लीजिए कि एक पर्सन सोर्स पे खड़ा है और उस पर्सन को जाना है सिंक पे तो सोर्स से लेके सिंक पे जाने के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट नोट्स हैं हो सकता है कि वो पर्सन सोर्स से ए पे जाए देन ए से डी पे देन डी से एस पे या फिर हो सकता है कि वो पर्सन एस से बी पे जाए बी से ई e पे जाए ई e से टी पे जाए या फिर एस से सी पे जाए सी से ई e पे जाए ई e से टी पे जाए मीन दे आर नंबर ऑफ पाथ जिन पाथ से कोई पर्सन सोर्स से सिंक पे जा सकता है लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट पाथ एक ऐसा पाथ जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करता हो सोर्स से सिंक पे जाने के लिए सो so, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम में हम लोग यूज करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का किस तरह से भी हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर मल्टी स्टेज ग्राफ क्यों कहा जाता है बिकॉज देखिए ग्राफ का क्या लिखा हुआ है मल्टी स्टेज मीन दे आर नंबर ऑफ स्टेजेस अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो हमें दिखाई दे रहा है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर और साथ ही हमको एजेस के ऊपर डायरेक्शन भी दिखाई दे रहा है फॉर एग्जाम्पल एस से एज जा रही डायरेक्शन में ए से एस okay, पे नहीं जा रही है ओके एस से बी पे एज जा रही डायरेक्शन दिया हुआ है बी से एस नहीं जा रही है ओके okay, बी से ई e पे एज जा रही है पर ई e से बी नहीं जा रही है यदि हम लोग तो यहाँ पर देखें तो जितनी भी एजेस दी गई है वो एजेस कैसी है डायरेक्टेड उन एजेस के ऊपर एक डायरेक्शन बना हुआ है दैट मीन्स मल्टी स्टेज ग्राफ कैसा है एक डायरेक्टेड ग्राफ है और इस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जो नोट्स है वो डिवाइडेड है सेट के अंदर उस सेट को हम क्या बोलते हैं स्टेज जैसे यदि हम देखें स्टेज वन तो स्टेज वन के अंदर नोड ए है स्टेज टू के अंदर नोड ए बी और सी है स्टेज थ्री के अंदर नोड डी और ई e है एंड स्टेज फोर के अंदर नोड टी है मीन्स यहाँ पर नोट्स की ग्रुपिंग की गई है तो नोट्स के ग्रुप को नोट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं स्टेज और यहाँ पर हमको दी गई है मोर देन वन स्टेज डेट मीन्स इस इज़ नाउन मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम अब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन बीच के टी के बीच में सो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह के टेबल का सपोर्ट लेंगे वी मीन्स वर्टाइस कॉस्ट और डेस्टिनेशन वो नंबर ऑफ वर्टाइस हमने यहाँ पे पुट किए हुए जो हमारे ग्राफ के अंदर हमारे पास में हम स्टार्ट करेंगे नोड टी से ओके हमारा मोटो क्या है कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है एस से लेके टी तक जाने का यदि हम टी पे देखें स्टेज ए फोर सो हमको टी से टी पे ही जाना है ओके तो वर्टाइस हमारे पास में क्या है टी अब हमको पता करना है कॉस्ट क्या आएगी तो कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी हम किस स्टेज पे हैं स्टेज फोर पे और नोड का नेम क्या है टी अब हमें क्या करना है डेस्टिनेशन नोड टी पे जाना है टी से टी पे ही जाना है ओके तो कितना डिस्टेंस है जीरो डेट मीन्स कॉस्ट यहाँ पर कितनी मिल जाएगी हमको जीरो और टी से हम किस डेस्टिनेशन नोड पे गए टी पे ही गए अब नेक्स्ट हमें स्टेज थ्री पे और नोड डी पे अब डी से हमें जाना है नोड टी पे तो हम नोड डी पे है कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरह से कौन सी स्टेज है हमारे पास थर्ड स्टेज नंबर थ्री नोड का नेम डी अब डी से सिंक पे जाना है टी पे तो डिस्टेंस कितना आ रहा है एट तो कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर एट और हम डी से कहाँ पर गए टी पे नेक्स्ट हमारे पास है नोड ई ओके एंड स्टेज है थ्री तो हमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट स्टेज नंबर थ्री आ जाएगा नोड का नेम आ जाएगा ई e. हमको ई e से कहाँ पे जा रहे हैं हम टी पे और डिस्टेंस कितना है टू तो ई पे कॉस्ट कितनी आ जाएगी टू और ई से हम कहाँ पे गए टी पे अब हम देखेंगे नोड ए से जो कि स्टेज है टू अगर हम नोड ए से देखें तो हमको टू पाथ दिखाई दे रहे हैं ए टू डी एंड डी टू टी अनदर पाथ इज ए टू ई एंड ई टू टी अब बौद्ध दार्ट पाथ को हम कंसिडर करेंगे लेकिन हमें क्या करना है उस पाथ को इंक्लूड करना है जो मिनिमम डिस्टेंस हमको देगा सो so, हमें क्या करना है कॉस्ट ऑफ सेकेंड स्टेज नोट ए कॉस्ट पता करनी तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मिनिमम का बिकॉज टू पाथ हमारे पास में तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया एच ए डी जो भी डिस्टेंस है एडी का वो हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ए डी का डिस्टेंस कितना है थ्री प्लस कॉस्ट ऑफ थर्ड स्टेज वर्टेक्स थर्ड स्टेज वर्टेक्स यहाँ पे कॉस्ट कितना है हमारे पास एट देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे एज ऑफ ए टू ई। ए से ई के बीच में एज का डिस्टेंस कितना है हमारे पास सिक्स प्लस कॉस्ट ऑफ थर्ड स्टेज ई वर्टेक्स तो यदि हम लोग देखें थर्ड स्टेज ई वर्टेक्स ठीक है कितना कॉस्ट है हमारे पास में टू अब इन दोनों में यदि मिनिमम हम फाइंड आउट करें तो हमको यहाँ पर इलेवन मिल रहा है और यहाँ पर एट मिल रहा है डेट मीन्स मिनिमम कौन सा है इस केस में जो हमको एट कॉस्ट दे रहा है और एट कॉस्ट का पाथ हमारे पास कौन सा है ये वाला ए टू ई टू टी दिस वन तो हम ए टू ई ई टू ई टी करेंगे हमने मिनिमम का यहाँ पर यूज़ किया है तो हमको यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगी एट अब बात है कि डेस्टिनेशन वर्टेक्स में क्या आएगा अगर हम डेस्टिनेशन देखें ओके तो ए का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है ई से है टी e से, से नहीं है ई e से है तो जिससे डायरेक्ट कनेक्शन हो उस वर्टेक्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे हम तो वो वर्टेक्स कौन सा है ई e. हमने डी क्यों नहीं यूज़ किया क्योंकि हमने ये पात्र लिया ही नहीं है हमने तो ए से ही ई सी टी वाला पाथ लिया है नेक्स्ट हमारे पास में वर्टेक्स बी स्टेज टू बट इस केस में हम देखें वर्टेक्स बी से भी टू पाथ जा रहे हैं बी टू डी डी टू टी एंड बी टू ई ई टू टी इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा मिनिमम का यूज़ करना पड़ेगा जो मिनिमम पाथ डिस्टेंस देगा उसको हम इंक्लूड करेंगे तो हमें वर्टेक्स बी पे कॉस्ट हमको पता करना है यहाँ तो पे क्या यूज करेंगे कॉस्ट में स्टेज टू ओके okay, स्टेज टू पे है हम और वर्टेक्स कौन सा है बी इक्वल टू हम यूज करेंगे मिनिमम का अब हमको पहले एज डिस्टेंस पता करना है बी और डी का यदि हम देखें बी और डी का एज डिस्टेंस कितना है यहाँ पे फोर प्लस अब हमको कॉस्ट पता करनी है थर्ड स्टेज डी वर्टेक्स की यहाँ पे कॉस्ट कितनी है एट अब हम एज डिस्टेंस निकालेंगे बी टू ई का बी टू ई का एज डिस्टेंस हमारे पास में है टेन प्लस कॉस्ट हमको निकालनी है स्टेज थ्री वर्टेक्स ई की तो वो हमारे पास में है टू तो हम यहाँ पर कितना मिल जाएगा ट्वेल्व एंड यहाँ पर मिलेगा ट्वेल्व अब यदि हम देखें बौद्ध path का कॉस्ट कितना है ट्वेल्व सेम है तो हम कॉस्ट यहाँ पे क्या ले लेंगे ट्वेल्व और बी से डेस्टिनेशन वर्टेक्स हम कौन सा लेंगे डी या फिर ई e? अगर दोनों ही हमको सेम पाथ दे रहे हैं तो हम दोनों को इंक्लूड कर लेंगे बी से डी पे भी और बी से ई e पे भी नेक्स्ट हमारे पास वर्टेक्स है सी स्टेज टू अब यदि हम देखें वर्टेक्स सी से भी टू पार्ट जा रहे हैं सी टू ई टू टी एंड सी टू टी अब इन दोनों पाथ में से हमें जो मिनिमम पाथ है उसको सेलेक्ट करना है तो हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टेज टू वर्टेक्स सी सो मिनिमम का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट हम पता करेंगे एज सी टू ई सी टू ई के बीच में एज डिस्टेंस कितना है हमारे पास में थ्री प्लस देन हमको निकालना है कॉस्ट स्टेज थ्री वर्टेक्स ई स्टेज थ्री वर्टेक्स ई तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है मीन्स कॉस्ट कितना दिया गया है टू नेक्स्ट हमको पता करना है एज डिस्टेंस सी टू टी सी टू टी के बीच में एक डिस्टेंस हमारे पास में है टेन देन फाइव एंड टेन अगर मिनिमम हम देखें तो फाइव मिनिमम है डेट मीन्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं सी टू ई ई टू टी का तो हमको कॉस्ट मिल जाएगी फाइव एंड सी से डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन सा है ई e. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ई e का नेक्स्ट हमें वर्टेक्स एक्स एस पे और स्टेज वन अब एस से हमको जाना है टी पे यदि हम पाथ देखें एस टू ए ए टू डी डी टू टी या फिर एस टू ए ए टू ई E टू टी मींस कई पाथ हमारे पास में है इन नंबर ऑफ पाथ में से जो पाथ हमको मिनिमम डिस्टेंस देगा मीन शॉर्टेस्ट पाथ हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सो so, हम लोग वर्टेक्स वर्ट एस पे तो हमको कॉस्ट निकालना है वर्टेक्स एस से स्टेज हमारे पास में है वन हम यूज़ करेंगे मिनिमम का अब इस केस में यदि हम देखें ओके थ्री ऑप्शन हमारे पास में हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है एस टू ए पे पहुंच जाए देन ए की कॉस्ट हमारे पास में ऑलरेडी है ओके okay, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है हमने एज डिस्टेंस लिखा है एस टू ए का देन हमने यहाँ पे कॉस्ट रख दी है ए की जो कि स्टेज टू पे है अब सेकेंड ऑप्शन में हमने क्या किया है कि H टू बी पे जाएंगे तो H एस टू बी पे हम चले गए देन बी पे पहुंचने के बाद हमने बी की कॉस्ट यहाँ पे रख दी है जो कि हमारे पास में अवेलेबल है देन हमने क्या किया है H टू सी पे गए तो H टू सी की एज हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी देन कॉस्ट हमने यहाँ पे सी की रख दी है जो कि हमारे पास में सी की कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल सो so फर्स्ट हम पूछते हैं एस से ए पे डिस्टेंस हमारे पास में है वन प्लस अब हमको लेना है कॉस्ट ऑफ टू ओके तो ए वर्टेक्स की कॉस्ट हमारे पास में कितनी है एट तो वन प्लस एट हमें यहाँ पर मिल जाएगा नाइन अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एस टू बी पे एस टू बी एज हमारे पास में डिस्टेंस कितना है टू प्लस हम यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ बी की तो बी की कॉस्ट हमारे पास में है वो कितना है ट्वेल्व नेक्स्ट हमारे पास में है एच टू सी पे जाने का ऑप्शन तो हम एच टू सी पे जाएंगे एच डबेल्ट हमारे पास में कितना है सेवन प्लस देन हमको सी की कॉस्ट यहाँ पे यूज़ करना है तो कॉस्ट ऑफ सी हमारे पास कितना है फाइव तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइव तो सेवन प्लस फाइव हमें कितना मिल जाएगा ट्वेल्व अब हमको इन थ्री में से मिनिमम लेना है नाइन मिनिमम है फोर्टीन मिनिमम है कि ट्वेल्व मिनिमम है यदि हम देखें तो यहाँ पर नाइन वाला मिनिमम है डेट मीन्स इस केस में हम लोग क्या करेंगे हम जाएंगे एस टू ए ये वाला पाथ हमको सेलेक्ट करना है तो कॉस्ट कितना है नाइन और डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन सा एस से हम कहाँ पे जा रहे हैं ए पे तो यहाँ पर आ जाएगा ए तो अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ तो अभी हम कहाँ पे हैं सोर्स पे हमें जाना कहाँ पे है सिंक पे मीन्स टी पे तो एस से हम कहाँ पे जाए थ्री ऑप्शन है ए बी और सी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो टेबल हमने भी रेडी किया है इस टेबल के अंदर हमको देखना है अगर इस टेबल में हम देखें एस एस से हम लोग जा रहे हैं ए पे डेट मीन्स हमें क्या करना है यहां पर ए से से जाना है ए पे देन जब हम ए पे पहुंच गए ओके okay, तो ए से हम कहां पे गए डेस्टिनेशन नोड हमारे पास में है ई डेट मीन्स ए से हम कहां पे जाएंगे ई e पे अब जब हम ई e पे पहुंच गए तो ई e से डेस्टिनेशन नोड कौन सा हमारे पास में टी तो ई e से हम कहां पे जाएंगे टी पे तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एस टू ए ए टू ई एंड ए टू टी सो आई होप आपको आज का सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा एंड आपकी तरफ से जो भी डाउट या क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चनों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी कुछ न्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग